पहले आप, ठीक है, एंड ले लीजिए आप। अब आपसे और एक क्वेश्चन पूछेंगे, अगर आपने भी इसका सही आंसर दिया तो हम आपको डेफिनेटली एक इनके तरफ एक गिफ्ट देंगे, ठीक है? ठीक है, आप मुझे बताइए कि कुरान पाक जो है ना वो किस पर नाजिल हुआ, उस नबी का नाम क्या है? अस्सलामुअलैकुम, स्वागत है आप सभी का हमारे और एक एपिसोड में। यहाँ पे हमें छोटे छोटे बच्चे मिले गवर्नमेंट का, नहमा गवर्नमेंट स्कूल के, और इनसे जाके पूछते हैं ये इस्लाम के बारे में कितना कुछ और क्या कुछ जानते हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम। माशाल्लाह, आपका नाम? साली शबीर। आपका? मुस्तकिम। हाफिज शबीर। आपका? अफनान यूसुफ। थोड़ा क्लोज आ जाइए यहाँ पे, थोड़ा हम आपको इस्लाम के बारे में कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है? अगर आपने उनका सही आंसर दिया तो हम आपको अपनी तरफ से एक गिफ्ट देंगे, ठीक है? ठीक है। ओके, सो पहला क्वेश्चन, आप मुझे पहला कलमा सुनाइए। पहला कलमा तायब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह, आप सुनाइए। कलमा तायब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह, आप सुनाइए। कलमा तायब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह, आप सुनाइए। कलमा तायब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, आपने पता है ये कलमा बोल क्या रहा है, इसका मायने क्या है? पता है? नहीं पता। आप बोलिए। नहीं पता। आप बोलिए। नहीं पता। आप बोलिए। नहीं पता। अच्छा, मेरे साथ पढ़िए आप, ठीक है? मैं जो पढ़ूंगा ना उसका मायने यही है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई महबूद नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। माशाल्लाह। हमारे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद साहब का नाम क्या है? अब्दुल मुत्तलिब। वो उनके दादा है, उनके वालिद का नाम? वालिद फादर का वालिद साहब का जनाब अब्दुल्ला। माशाल्लाह, आप बोलिए कि उनके वालिदा का? बीवी आमना। माशाल्लाह। अच्छा, आप बोलिए कि उनके जो ग्रैंडफादर थे ना, ग्रैंडफादर उनका नाम क्या है? अबू मुतलिब। जो उनके ग्रैंडफादर है ना, दादा, उनका नाम क्या है? अब्दुल मुतलिब। बिल्कुल, माशाल्लाह। अच्छा, आप मुझे बताइए कि जब हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा यानी कि उनकी मदर ने इंतकाल किया, तो उस वक्त उनकी उम्र शरीफ कितनी थी हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की? छः साल के। बिल्कुल, माशाल्लाह। अब लास्ट क्वेश्चन आपसे, अगर आपने इसका सही आंसर दिया तो हम डेफिनेटली आपको अपनी तरफ से रिवार्ड देंगे, ठीक है? अब मुझे बताइए कि जब उनके ग्रैंड फादर ने यानी कि उनके दादा साहब ने इंतकाल किया, तो उस वक्त उनकी उम्र शरीफ कितनी थी हमारे मोहम्मद? 8 साल की। माशाल्लाह, बिल्कुल सही जवाब। हम आपको अपनी तरफ से एक गिफ्ट देते हैं, ठीक है? ओके, ऐसे ही पढ़ते रहो। अब दरसगाह जाते हैं आप? ओके, दरसगाह जाना। आप दोनों को पहले आप, ठीक है, एंड ले लीजिए आप। अब आपसे और एक क्वेश्चन पूछेंगे, अगर आपने भी इसका सही आंसर दिया तो हम आपको डेफिनेटली एक इनके तरफ एक गिफ्ट देंगे, ठीक है? आप मुझे बताइए कि कुरान पाक जो है ना वो किस पर नाजिल हुआ, उस नबी का नाम क्या है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह। ये लीजिए हमारे तरफ से, ये लीजिए। आपसे और एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, अगर आपने इसका सही आंसर दिया तो हम आपको गिफ्ट देंगे, ठीक है? तो आप मुझे बताइए कि मौजज़ा किसको कहते हैं? कभी सुना है? नहीं सुना। अनफॉर्चुनेटली आप ये गिफ्ट नहीं जीत पाएंगे। मौजज़ा कहते हैं उस चीज़ को जो इंसानी अक्ल को हैरान करे, ठीक है? लेकिन फिर भी हम आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ देंगे अपनी तरफ से, ले लीजिए, ठीक है? एंड थैंक यू सो मच, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। लेकिन दरसगाह आप लोग ज़रूर जाना, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच। सो ये था और एक एपिसोड, और इस एपिसोड में इन्होंने बिल्कुल सही आंसर दिया तो हमने इनको अपनी तरफ से एक रिवार्ड दिया। सो असल माने और हम लोग मुसलमान होने के नाते पता नहीं किन किन चीज़ों को प्रमोट करते हैं, लेकिन जब दीन की बात आती है तो उस चीज़ को प्रमोट करने से डर जाते हैं और शर्माते हैं। सो प्लीज़ जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।